अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब। ये सीख कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। तो चलिए देखते हैं सीख कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सीख कबाब बनाने के लिए हमने लिया है चिकन का कीमा, फ्राइड अनियंस, घी, बेसन, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, भुना पिसा जीरा, काला नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और चाट मसाला। साथ ही में हमें लगेगा एक प्याज, धनिया, पुदीना, नींबू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और बाइंडिंग के लिए ब्रेड। अब हमने एक ग्राइंडर ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और मिर्चा। हमें इसे हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। हमने तीनों चीजों को हल्का सा चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया और पुदीना। चिकन का कीमा मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड अनियंस, एक ब्रेड, बेसन, सारे सूखे मसाले और घी। अब हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कबाब बनाने के लिए सारी चीजें रेडी हैं। कबाब का मिक्सचर, घी जो हम कबाब को रोल करते हुए हाथ पर लगाएंगे, स्क्यूअर्स जिसमें हम कबाब रोल करेंगे और आधा नींबू। तो अब हम मिक्सचर में नींबू ऐड कर लेते हैं। अब हम सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने पहले एक स्क्यूअर में हल्का सा घी लगा लिया है। हम एक मिक्सचर की एक बड़ी बॉल उठाएंगे और उसे अपने फिंगर्स की हेल्प से रोल कर लेंगे। आपको कबाब को स्टिक्स के ऊपर अच्छे से रोल कर देना है। अपने फिंगर्स से प्रेस करते हुए आप कबाब को फैला लीजिए। आप देख सकते हैं सीख कबाब का शेप आ चुका है और इसी तरह से हम बाकी सीख कबाब भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको सीख कबाब पतले ही रखने हैं ताकि वो अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। सीख कबाब बनकर रेडी हैं, तो अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई गरम कर ली है। अब हम उसमें ऐड करेंगे एक टीस्पून घी। आपको उतना ही घी ऐड करना है जितने में कबाब फ्राई हो जाए। अब हम इसमें एक एक करके सीख कबाब ऐड कर देंगे। फ्लेम आपको स्लो ही रखनी है। कबाब एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब हम उसे पलट लेते हैं। कबाब को धीमी आंच पर एक तरफ फ्राई होने के लिए 3 मिनट लगे। अब हम उसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। कबाब को फ्राई होते हुए 7 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से कुक हो गया है तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। सीख कबाब बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस बने हैं। ये अंदर से एकदम जूसी हैं
तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और हमें बताइए कैसा बना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम।